बोलिए दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का आठवां दिन माता महागौरी का होता है। इस दिन माता महागौरी की उपासना, अनुष्ठान, व्रत और पूजा की जाती है। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। बोलिए माता महागौरी की जय। मां दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फल से दी जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के समान पवित्र कर दिया। गंगा के जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो बोलिए माता महागौरी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का आठवां दिन माता महागौरी का होता है। इस दिन माता महागौरी की उपासना, अनुष्ठान, व्रत और पूजा की जाती है। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। बोलिए माता महागौरी की जय। मां दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फल से दी जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर
काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के समान पवित्र कर दिया, गंगा के जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है, इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है, इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो बोलिए माता महागौरी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का आठवां दिन माता महागौरी का होता है। इस दिन माता महागौरी की उपासना अनुष्ठान व्रत और पूजा की जाती है। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। बोलिए माता महागौरी की जय। मां दुर्गा के आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फल से दी जाती है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के समान पवित्र कर दिया, गंगा के जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है, इनकी पूजा से भक्तों को तमाम कलुष धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो बोलिए माता महागौरी की जय हो, जय हो, जय हो।